जय शिव शंकर गाइस। सो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बढ़िया ही होंगे। तो स्वागत है आपका फिर से मेरे एक नए ब्लॉग में। और अभी टाइम हो रहा है 12 बज गए हैं दिन के, तो ब्लॉग की शुरुआत अभी हो रही है। अभी का सीन ऐसा है कि अभी देख रहे हैं कि क्या करें क्या नहीं करें, दिन को थोड़ा खुशहाल बनाएं पूरा। तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि अभी मैं जा रहा हूँ अपने दोस्त के घर, जिसको आप जानते हैं, पिछली दो वीडियो में आप मेरे साथ उसको देख रहे हैं, अमन कुमार। तो वहाँ जा रहा हूँ मैं, फिर देखते हैं कि अचानक से हमारे कहीं भी प्लान बन जाते हैं, तो देखेंगे कहाँ पे कहाँ नहीं जाए, कहाँ से कहाँ निकल जाते हैं हम। तो देखते हैं अभी क्या बनता क्या नहीं बनता। तो चलो आप बने रहो आज के ब्लॉग के साथ, तो मिलते हैं आपको मेरे दोस्त के साथ। चलो तो गाइज, मैं अपने दोस्त के घर आ चुका हूँ, जो कि आप पिछली दो वीडियो में देख ही चुके हो। अमन DX इंस्टाग्राम नेम है, वैसे अमन कुमार नेम है। तो अभी का सीन ऐसा है कि हम देख रहे हैं कहीं घूमने का। हिडन वाटरफॉल है बीर बिलिंग के तरफ, ज़्यादातर बंदों को नहीं पता है उसके बारे में। तो देखते हैं अभी वहाँ के चल के, अगर पहुँचते हैं तो देखते हैं, अगर नहीं पहुँचेंगे तो कहीं और निकल जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं और मेरा भाई कभी भी मिल जाए तो हम कहीं ना कहीं एक्सप्लोर कर ही आते हैं। तो दोस्तों वैसे भी आज संडे है, छुट्टी है, तो और दिन वैसे भाई ही मूवीज़ देखने में चले गए सुबह, और हम चलते हैं अब एक नए ट्रैक पे। तो भाई बने रहो ब्लॉग, आज भी ब्लॉग काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। तो तीन चार ब्लॉग इकट्ठे ट्रैवलिंग के हो रहे हैं, तो देखते हैं अभी ट्रैवलिंग करके काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो चलो भाई, अमन भाई चलो, मास्क अप करते हैं भाई। चलो भाई चलो, अमन भाई भी थोड़े अपने ये थे, बोर हो चुके थे। मैंने कहा कि क्यों ना भाई चला जाए कहीं। तो देखते हैं, यहाँ से मतलब 20-25 किलोमीटर ही जा रहे हैं, ज़्यादा नहीं जा रहे। गाइस अभी पहुंच गया है शिव भूमि बैजनाथ। बैजनाथ मंदिर है शिव का, बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। तो अभी मंदिर तो नहीं जाएंगे हम, लेकिन बाहर से ही माथा वगैरह कर लेंगे। अभी आगे चल रही है थार भाई, ज़बरदस्त गाड़ी है। मतलब हिमाचल के रोड हो और थार हो, अलग की बात है। और ऊपर से भाई लड़की चला रही है, वो तो अलग लेवल की बात है। ओवरटेक लेने में थोड़ा डर लग रहा है, लेकिन अभी खाली रास्ता। और ये रुक जा भाई, नहीं निकलेगी नहीं निकलेगी नहीं निकलेगी नहीं निकलेगी। तो ये क्या था भाई, एक नहीं थी। ओ भाई, मैं कह रहा था कि नहीं निकलेगी भाई। भाई कब से पीछे पड़े हुए हैं, अभी अभी अब मिल सकता है। भाई लिटरली अभी पता चला हमारा तो मीटर चल ही नहीं रहा, और हम इस टाइम 200 की स्पीड पे देख सकते हैं आप। अमन जी ने पूरी सुई नीचे तक लगा दिया, ये ऐसे नहीं है, ये घूम के यूं आ गई है भाई। भाई अभी एक जगह गई, जगह का नाम घटा। भाई कुछ यहाँ पे घटा होगा तभी नाम घटा रख दिया है। हम आ चुके हैं भीड़ से ऊपर, तो आप देख सकते हैं नीचे का व्यू है कितना सुंदर भाई, जन्नत। अमन जी क्या कहेंगे, संडे हुआ ना थोड़ा मजेदार? संडे तो मजेदार। ये नीचे जो पड़ रहा है, जो गुनेड विलेज है नीचे बड़ा, ये जो नीचे की तरफ है ये, हाँ इस तरफ, ये गुनेड वाला विलेज है, बस इसी के ऊपर वाटरफॉल है। हाँ, इसी के साइड ऊपर एक साइड वाटरफॉल है वो गुनेड वाला। तो दोस्तों फिर चलते हैं गुनेड वाले झरने की तरफ, चलो भाई। उतरा इतनी है ना, पैरों से अलग ले ब्रेक लगानी पड़ रही है। क्या क्या ग्राइंडर ना के ऐसा जगह था, क्या ना ऐसा था भाई? ये विलेज जो है ना काफी ओल्ड हिमाचल की याद दिलवाता है, क्या बोलते हैं? बिल्कुल भाई, ब्रोड की तरह लगता है मुझे तो, है ना, मतलब बहुत ही पुराने पुराने घर भाई। तो गाइस अभी पैदल है थोड़ा सा रास्ता, 5 मिनट का रास्ता है इधर से। स्कूटी हमने पीछे ही पार्क कर दी है भाई, बूटी लगवा दिया मैंने भाई ने, पता नहीं कैसी राइड की, उसके साथ रगड़ते रगड़ते लेके मेरे टांग में पूरी खुजली हो रही है भाई। कौन खुजाता रहे इतनी देर? बिच्छू बूटी, ये जो लगी है बिच्छू बूटी, तो बिच्छू बूटी जानते होंगे बंदे, दिखाएंगे आपको। एंड मास्टर मार दे है एनी ने।
तो भाई आप देख सकते हैं हम पहुंच गए हैं, हिडन वाटरफॉल है, लेकिन अब काफ़ी बंदों को पता लग चुका है ये, क्योंकि जब हम फर्स्ट टाइम पे आए थे हम, तो मैं और अमन अकेले थे भाई, कोई था ही नहीं है यहीं पे, यहाँ के लोकल थे दो चार बंदे, और सांस फूल गई भाई, थोड़ी सी चढ़ाई रखी बरसात के टाइम में तो भाई इसके सामने खड़ा होना भी मुश्किल है। तो देख सकते हैं आप कितनी ऊंची हाइट है इसकी और कितना प्यारा व्यू है इसका, चारों तरफ से अच्छा व्यू है, झरने का व्यू नहीं भाई, चारों तरफ का व्यू अच्छा है भाई। तो चलते हैं भाई वॉटरफॉल की तरफ। तो भाई फ्लीट डाल दी मैंने, गलत किया है वो। घूमने का ही मजा है भाई, नहाने का तो हम भी नहा लेते हैं, लेकिन टाइम नहीं है, अभी चार बजने वाले हैं, तो अभी क्या नहाना, अभी नहा के आए थे, जब घूमने आए थे पहाड़ के बंदे मेहनती, देख रहे हैं आप कैसे लेके जा रहे हैं लकड़ी, सल्यूट है भाई इन बंदों को, कम रिसोर्सेज होने के कारण भी इतना अच्छा काम करते हैं ये। जो यहाँ से वाटरफॉल का नज़ारा है दोस्तों, वो आप यहाँ से देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है यहाँ से। गुजरत वादियों के साथ हॉर्स और सामने चल रही हैं शीप्स, पहाड़ की शान, गद्दी कल्चर, देखने को तो ये काफ़ी सुंदर लग रहा है, लेकिन डर भी लग रहा है कहीं लात ना मार दे मुंह पे घुमा के भाई डरा रहा है ये, आगे तक ये खड़े हुआ था, बच्चे ने एंगल बना लिया। पैर फिसला तो गेम ओवर भाई, पहाड़ों में आओ, शैतानी ना करो, घूमो, अपना एंजॉय लो, और कभी भी नेचुरल चीज़ जो भी है यार, उसको नुकसान कभी नहीं पहुंचाना भाई, क्योंकि हम तो देख लेंगे, लेकिन हमारे आने वाला फ्यूचर जो है वो भी, तो उनके लिए तो कुछ बचना चाहिए ना भाई, क्या बोलते हैं अमन भाई। तो भाई आगे का नज़ारा देखें आप, कितना खूबसूरत नज़ारा है, हमने पहली बार देख रहे हैं, पता नहीं कौन सी जगह ये, लेकिन बहुत ही सुंदर नज़ारा भाई। लिटरली इतना सही व्यू है ना भाई, कैमरा जस्टिस नहीं कर सकता इस चीज़ को भाई, ठीक है, बाकी तो भाई वीडियो बनाता रहेगा, फील आपको घर बैठे ही दिलवाते रहेंगे। तो ट्रैक कर रहे हैं हम, और सांस तगड़ी फूल गई है, काफ़ी दिनों बाद चल रहे हैं चढ़ाइयाँ, लेकिन भाई उन बंदों को तो क्या ही कहें भाई, जो बंदे पीठ में इतने भारी भारी लकड़ी के बल्ले उठा के आ रहे हैं, उनके जज्बे को तो सलाम है दिल से। तो चलो बने रहो, आप फिर से देखो एक व्यू, क्योंकि मेरा मन पूरा व्यू दिखाने के लिए है आपका, क्योंकि मेरी बातें आप सुनते रहेंगे, लेकिन ये चीज़ आप कभी नहीं दे सकते जो अभी हम देख रहे हैं, तो ये चीज़ देखो भाई। चलो वाटरफॉल आगे की तरफ भाई, इन पाइपों में लिटरली बहुत ठंडा पानी भाई, देख रहे हो पहाड़ों का, कूलर लगा के नहीं आए भाई इतना पानी, हिडन वाटरफॉल। So that's a great beauty of Himachal in a beer billing site. आपको zoom करके दिखाता हूँ। तो guys अभी time हो चुका है, 5 बजने वाले हैं, और घर भी जाना है, घर भी काफी दूर है यहाँ से, 20-25 किलोमीटर दूर है। भाई बाहर के बंदों को, पंजाब दिल्ली वाले बंदों को पता है कि इधर वाटरफॉल है, हमें नहीं पता, और लोकल बता देते हैं यहाँ पे गांव वाले, तो लोकल्स तो हैं भाई, ये तो बात है। तो कब होटल होटल कब डाल रहे भाई यहाँ पे अपने, बस ये ऊपर की तरफ डालेंगे होटल। तो गाइज अभी करते हैं उस वाटरफॉल को अलविदा, और अभी चल रहे हैं घर की तरफ। अमन भाई मज़ा आया कि नहीं आया भाई, अमन भाई को यहाँ पे लड़की पसंद आ गई, अभी शादी करने जा रहे हैं हम, रिश्ता मांगने जा रहे हैं हाथ उनके पापा से, ऐसे 10 मिनट का ट्रैक है,
कोई आएगा तो भाई आगे की तरफ आ जाना, नहीं तो आप ये चीज़ मिस कर जाएंगे। वादियाँ जो हैं, जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, इनसे जो दिल को सुकून मिलेगा वो कहीं नहीं मिलेगा। अच्छा घोड़े तुम्हारे ने? अच्छा जी अच्छा, नमस्ते। तो दोस्तों ये जो आपको सामने दिखाई दे रही है ये पुल जैसा, ये जो है ये है बग्गी जंपिंग के लिए, और इसके नीचे पीछे की साइड एक और है जहाँ पे स्काई साइकिलिंग होती है, इसलिए गुनेड़ वाला ये जो गांव है ये बहुत फेमस है, इसके कारण कुछ ज़्यादा फेमस है ना। वाटरफॉल के इतने बंदे जानते नहीं थे पहले। इंस्टाग्राम का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, फॉलो करें भाई, और आपको आने वाले ट्रैवलिंग रूट्स की आपको पूरी इन्फॉर्मेशन उस पर मिलती रहेगी। तो गाइस यहीं पे हम अपनी वीडियो का एंड करते हैं, ब्लॉग काफ़ी लंबा हो जाएगा अगर हम जाने की वीडियो भी दिखाएंगे, तो इसी के साथ ही हम वीडियो का एंड करते हैं। तो आई होप आपने ये वीडियो पसंद की होगी गुनेड़ विलेज की, जो कि एक हिडन वाटरफॉल है। तो अपने भाई को भी मज़ा आया भाई, मज़ा आया ना? बिल्कुल मज़ा आया भाई। तो भाई आपको भी मज़ा आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को भी दबा लें ताकि आप ऐसे ऐसे और ब्लॉग कभी भी मिस ना कर पाएं विलेजर शर्मा ब्लॉग से। तो भाई तो मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय महादेव। बाय बाय।